हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ इस समय हैं कुसुम कौशिक जी, जो हैं 65 इयर्स की। इन्होंने 3 साल पहले डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाया था। भाई, रीट्रीटमेंट डेंटल इम्प्लांट्स में इन्होंने पहले ट्रीटमेंट कराया था, बट वो किसी वजह से वो फेल हो गया था। बट इन्होंने फिर भी हिम्मत रखी, होप रखी कि मेरा इम्प्लांट दोबारा से हो सकता है। फिर ये मेरे पास आई, फिर हमने इवेलुएट किया, स्कैनिंग किया, मैक्सिला और मैंडिबल के मॉडल प्रिंट कराए, फिर इम्प्लांट ट्रीटमेंट किया, और पिछले 3 साल से ये मेरे पास रेगुलर फॉलोअप के लिए आ रही हैं। और इनके जो इम्प्लांट है वो बिल्कुल ठीक है। तो इम्प्लांटोलॉजी इज मेंटेनेंस। तो कुसुम कौशिक जी, हाँ जी, तो हर 6 महीने में इनको विजिट करते हैं। हाँ जी। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप उन पेशेंट्स जो देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे इम्प्लांट ट्रीटमेंट, रीट्रीटमेंट और फॉलो अप के बारे में? हर 6 महीने में आपको आना चाहिए, और गेट टुगेदर भी हो जाता है डॉक्टर साहब से, और शक भी, अपनी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि भाई कोई एप्रिहेंशन तो नहीं है कुछ, नहीं है आगे के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हंसी ठटाके भी मार लेते हैं पेशेंट से, पेशेंट जब मिलते हैं हमारे साथ। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट के बाद जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होता है, बिकॉज आप मेंटेनेंस के लिए, आपको जरूर हर चीज मेंटेनेंस पे चलती है। तो इम्प्लांटोलॉजी की सक्सेशन के लिए आपको मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। तो कुसुम जी, वो जो पेशेंट है आपको जो देख रहे हैं, डेंटल इम्प्लांट जो करवाना चाहते हैं, जो करा चुके हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या होगा, जो मेंटेनेंस क्यों करानी चाहिए, उनको क्या बोलना चाहेंगी? हाँ, मेंटेनेंस जरूरी है, इसलिए कि आपके दांत ठीक रहते हैं, और आपको चबाना भी है आगे, आपको बुढ़ापे में हंसना भी है, हसना सब भी काम है। करने हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन के लिए डॉक्टर साहब के पास आना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुसुम कौशिक जैसी स्माइल चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मुझे कोई भी डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर किसी कारणवश आपने डेंटल इम्प्लांट्स कराया, अगर वो फेल हो चुका है, तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इम्प्लांट्स करवाया, फेल हुआ, फिर भी इन्होंने हिम्मत रखी, और आज पिछले 3 साल से इनको कोई भी दिक्कत नहीं है इम्प्लांट्स में। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि मेहनत करने वाले और हिम्मत रखने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। थैंक्स अ लॉट।